दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द बेस्ट वन हॉरर पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ एडगर एलन पो की एक बेहद ही दिलचस्प हॉरर कहानी, जिसका असली नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, जिसको हिंदी में नाम दिया है लाल हवेली। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो पतझड़ का मौसम था, दिन खुश्क थे और तेज हवाएं चल रही थी, और वो हवाएं पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों को अपने साथ कहीं तो लिए जा रही थी। मैं अपने घोड़े पर सवार उस सूखी बंजर जमीन पर अकेला सफर कर रहा था। मेरी मंजिल नजदीक ही थी। वो मंजिल थी एक अजीब सी वीरान हवेली, जिसे लोग लाल हवेली के नाम से जानते थे, क्योंकि वो हवेली लाल पत्थरों की बनी हुई थी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं उस वीरान उजड़ी हवेली में क्या करने जा रहा हूं। दरअसल मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था अशोक प्रताप सिंह। वो उस घर का मालिक था। हम बहुत पुराने दोस्त थे, पर कई सालों से हम दोनों एक दूजे से मिले नहीं थे। कुछ दिन पहले मुझे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मेरे अजीज दोस्त, मैं बहुत बीमार हूं, कृपया करके उससे मिलने आओ। मैं यहां बेबस हूं, लाचार हूं, आ जाओ वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, मुझसे मिलने आओ मेरे दोस्त। उस खत के नीचे अशोक का नाम लिखा हुआ था। वो खत पढ़कर मेरी आंखों के सामने बचपन और जवानी के वो सारे दिन किसी चलचित्र की तरह चलने लगे, जब अशोक और मैं खूब मस्ती किया करते थे। लाल हवेली के बगीचों से हम मीठे फल खाया करते थे, हरे हरे मैदानों में घुड़सवारी किया करते थे। उस हवेली के पास एक साफ पानी का बड़ा सा तालाब था, जिसमें हम अक्सर गोते लगाया करते थे। तब अशोक की एक बहुत खूबसूरत छोटी बहन थी जिसका नाम लक्ष्मी था। अशोक और लक्ष्मी दोनों जुड़वा थे। लक्ष्मी अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर अक्सर हम दोनों को खेलता देखती थी, मगर वो कभी हमारे साथ खेलने नहीं आई। मुझे लक्ष्मी पसंद थी, मगर मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे जैसे आम से दिखने वाले लड़के के अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लक्ष्मी जैसी करिश्माई खूबसूरत लड़की से बात कर सकूं। उस वक्त वो लाल हवेली किसी महान चित्रकार का बनाया हुआ एक खूबसूरत नमूना लगती थी, मगर इतने सालों में उसका क्या हाल हुआ होगा मैं भी नहीं जानता था। मैं पूरा दिन अपने घोड़े की पीठ पर सवार लाल हवेली की तरफ बढ़ता जा रहा था। काफी देर हो चुकी थी। दूर थका हुआ वो सूरज जमीन को चूमने लगा था और मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका था। मैं उस हवेली के पास तालाब के किनारे अपने घोड़े से नीचे उतरा। जिस तालाब में हम नहाया करते थे उसका पानी अब गंदा और काला हो चुका था। उसमें से अजीब तरह की बदबू आ रही थी। मैंने उस हवेली की तरफ देखा। प्रतापों की वो लाल हवेली, जो किसी जमाने में बेहतरीन कला का नमूना हुआ करती थी, वो अब किसी भूतिया घर से कम नहीं लग रही थी। उसकी दीवारों से, उसकी मीनारों से रंग उड़ चुके थे और समय की मार ने उस इमारत को काला कर दिया था। उसकी खिड़कियां किसी वीरान और उदास खोखली आंखों की तरह दिखाई दे रही थी। शाम के उस अंधेरे में वो इमारत बेहद डरावनी लग रही थी। उसे देखकर मेरे शरीर में डर की एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। मेरे सामने एक संकरी सी सड़क थी, जो एक लकड़ी के पुल के ऊपर से गुजरती हुई उस हवेली की तरफ जा रही थी। मैंने अपने घोड़े की लगाम थामी और पैदल ही उस घर की तरफ चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैं उस हवेली के पास पहुंचा। मैंने करीब से उस हवेली को देखा। वो हवेली बेहद ही जर्जर हालत में थी। उसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी, जिनमें से एक दरार इतनी बड़ी थी कि उसने उस इमारत को दो भागों में बांटा हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा दोस्त अशोक अभी भी उस हवेली में रह रहा था।
मैं उस हवेली के दरवाजे पर गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ ही देर में हाथ में लालटेन लिए एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। वो उस हवेली का नौकर था। उसने सबसे पहले मेरे हाथ से मेरे घोड़े की लगाम ली और उसे ले जाकर अस्तबल में बांध दिया और उसे खाने को चारा और पानी दिया और फिर उसके बाद वो मुझे घर के अंदर ले गया। हम दोनों कई सीढ़ियां चढ़कर उसके मालिक के कमरे तक जाने लगे। दीवारों में कई लैंप टिमटिमा रहे थे जिनसे भीनी भीनी सी रोशनी हो रही थी। फिर एक लंबे कॉरिडोर से होते हुए हम एक कमरे के बड़े से लकड़ी के दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए। उस बूढ़े नौकर ने लकड़ी के दरवाजे को धकेला और वो दरवाजा आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर मैंने देखा एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में एक सोफा रखा हुआ था और उसमें एक आदमी बैठा हुआ था। पहले तो मैंने उस आदमी को पहचाना नहीं, मगर गौर से देखने के बाद मुझे समझ आया कि वो मेरा बचपन का दोस्त अशोक प्रताप था। मेरे दोस्त की काया एकदम बदल गई थी। वो कमजोर और बीमार लग रहा था। हम दोनों हम उम्र थे, मगर वो मुझसे ज्यादा ही बूढ़ा लग रहा था। उसके बाल पक चुके थे, सफेद महीन, बिल्कुल मकड़ी के जाले के समान दिखाई दे रहे थे। वो आंखें मूंदे सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे लगा वो सोया हुआ है, मगर जैसे ही मैंने कमरे में अपने कदम रखे, अशोक प्रताप खड़ा हो गया और उसने अपनी आंखें खोली। कमरे में जल रहे लैंप्स की भीनी रोशनी में उसकी आंखें बेहद ही अजीब तरह से चमक रही थी। मैं चलते हुए उसके करीब गया तो अशोक मुझे देखकर बोला, मेरे सबसे पुराने और अजीज दोस्त, आओ, तुम्हारा स्वागत है। पर वो अपनी जगह में खड़ा रहा। उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया और ना ही वो मेरे करीब आया। वो जहां पर खड़ा था वहीं पर खड़े खड़े बोला, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं बीमार हूं, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आकर तुमसे गले नहीं मिल सकता। कृपया करके आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर में मेरा नौकर तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर जाएगा। कुछ देर आराम कर लेना, फिर हम दोनों रात के खाने पे मिलेंगे और ढेरों बातें करेंगे। मुझे खुशी हुई कि तुम आए मेरे दोस्त। मैं खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। वो फिर बोला, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, एक बहन है मगर वो भी बीमार है। तभी एक युवती अजीब ढंग से चलते हुए कमरे में आई। वो भी काफी कमजोर थी और उसकी आंखों में भी अजीब चमक थी। उसने काली पोशाक पहनी हुई थी जिसके कॉलर ने उसकी लंबी गर्दन को पूरी तरह से ढका हुआ था। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, शायद उसे कमरे में मेरी उपस्थिति का कोई आभास नहीं था। अशोक ने उससे कहा, लक्ष्मी, लक्ष्मी, पहचाना इसे, ये मेरा पुराना दोस्त है। मगर लक्ष्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अजीब तरह से धीमे धीमे चलती हुई वहां से चली गई और दरवाजे से बाहर निकल गई। वो कुछ इस तरह से चल रही थी जैसे छोटे बच्चे भूत बनकर चलने का नाटक करते हैं। बिल्कुल वैसे ही वो जिस खामोशी के साथ कमरे में घुसी थी, उसी खामोशी के साथ वो कमरे से बाहर चली गई। लक्ष्मी को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। एक वक्त था जब लक्ष्मी मुझे बहुत पसंद थी, मगर उसकी ये हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लक्ष्मी के जाने के बाद अशोक ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और बोला, हे भगवान, मेरी बहन को एक अजीब तरह की बीमारी है। वो आधी जाग रही होती है और आधी सोई हुई होती है। उसके शरीर का मांस सख्त हो चुका है, वो ठीक से हाथ पैर भी नहीं हिला सकती। मुझे डर है कि वो शायद ज्यादा जी नहीं पाएगी। उसके बाद अशोक ने एक घंटी बजाई और उसका नौकर कमरे में आया। अशोक मुझसे बोला, जाओ दोस्त, कुछ देर आराम कर लो, तुम थक गए होगे, जाओ खाने के वक्त मिलते हैं। उसके बाद नौकर मुझे मेरे कमरे तक लेकर गया।
मैं बिस्तर में लेट गया और करीब एक घंटा मैंने आराम किया। मैं पूरे वक्त अपने दोस्त अशोक और उसकी बहन लक्ष्मी के बारे में ही सोचता रहा। वो दोनों ही अजीब लग रहे थे। मुझे उस घर में अब बेचैनी सी होने लगी, पर मैं वहां से उठकर जा नहीं सकता था। मेरे बचपन के दोस्त को अच्छा नहीं लगता। फिर कुछ देर बाद वो बूढ़ा नौकर मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर मुझसे बोला कि रात के खाने का वक्त हो गया है। मैं उठा और नीचे खाने की टेबल पर गया। खाने की मेज पर मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा था। अशोक ने मुझसे बातें की, मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछा। अशोक अभी खुश लग रहा था और मैं भी अब उसकी अजीब बहन और उस अजीब घर के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। अशोक ने उस घर में मेरा अच्छे से ख्याल रखा। कई दिन बीते, हम खाना खाते, ड्रिंक करते और खूब बातें करते थे। कभी उस घर की लाइब्रेरी में बैठकर हम किताबें पढ़ते। मैं चित्रकारी करता, अशोक गिटार बजाता। इन दिनों मैंने लक्ष्मी को दोबारा नहीं देखा और मैंने उसके बारे में पूछा भी नहीं। अशोक कई सालों से अकेला था, इसलिए मुझसे मिलने के बाद वो अब बहुत खुश लग रहा था। वो हमेशा अच्छे दिनों के बारे में ही बातें किया करता था। हम उन दिनों की बातें किया करते थे जब हम छोटे बच्चे थे, मगर कभी कभी अशोक बोलते बोलते चुप हो जाता। वो कभी एकदम अपने सामने घूरता रहता, कभी गर्दन घुमाकर बाईं तरफ देखता तो कभी दाईं तरफ, मानो जैसे उसे कुछ सुनाई दे रहा हो। वो अजीब अजीब सी हरकतें करता। उसके चेहरे में एक अजीब सी उदासी और डर के भाव उभर आते। उसे वैसी हरकत करते हुए देखकर मुझे भी डर लगने लगता। मुझे प्रतापों की वो डरावनी हवेली बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर मैं एक लंबा सफर तय करके अपने दोस्त अशोक से मिलने वहां आया था और मैं अपने दोस्त को उस हाल में अकेला छोड़कर जा नहीं सकता था। और अशोक भी चाहता था कि मैं वहीं उसके पास उसके साथ रहूं। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे अशोक शांत और उदास रहने लगा। और फिर एक शाम वो अचानक से मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला, लक्ष्मी 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 मर चुकी है। ये खबर सुनकर मैं हैरान हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं या क्या करूं। अशोक बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी मेरे दोस्त। लक्ष्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, वो मरने वाली है मैं जानता था, पर हम उसे शमशान में नहीं जलाएंगे, वो इसी घर में रहेगी। मैं उसके शरीर को इस घर के तहखाने में रखूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरे दोस्त? अशोक की वो बात सुनकर मेरी तो आत्मा ही कांप उठी। एक लाश को घर पर रखना, ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। पर मैंने अपने दोस्त अशोक से कुछ नहीं कहा, पता नहीं क्यों। हम दोनों लक्ष्मी की लाश को उठाकर उस घर के तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। उस घर का नौकर शायद तब तक अपने घर जा चुका था। उस तहखाने में कई सालों से कोई नहीं आया था। वहां छत से लटके हुए मकड़ी के कई जाले थे। तापमान कम था और हवा में नमी थी। दीवारों में लैंप्स जल रहे थे, मगर उनमें से कुछ खास रोशनी नहीं आ रही थी। उस तहखाने के बीचों बीच लकड़ी का एक ताबूत रखा हुआ था। अशोक और मैंने लक्ष्मी की लाश को उस ताबूत में रखा। लक्ष्मी ने एक सफेद पोशाक पहना हुआ था और उसका चेहरा उसकी पोशाक के समान एकदम सफेद पड़ चुका था। अशोक तो बस बेसुध सा अपनी बहन के चेहरे को घूरे जा रहा था और फिर वो उदास स्वर में बोला, लक्ष्मी अब से यहीं रहेगी। मैंने अशोक की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम फीका पड़ चुका था। उसके चेहरे की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। लक्ष्मी मर चुकी थी, उसकी सांसें बंद थी, उसकी धड़कनें थम चुकी थी, मगर उसका शरीर ठंडा नहीं था, जैसे दूसरे मुर्दों का होता है। उसके शरीर में अभी भी कुछ गर्माहट थी।
मैं समझ गया था कि वो मर तो चुकी है, मगर वो मरी नहीं है। ये सोचकर मेरी धड़कनें और तेज हो गई। अशोक ने लक्ष्मी के ताबूत को ढका और मुझे उस तहखाने से बाहर ले आया। अशोक बोला, अब से यहां कोई नहीं आएगा। लक्ष्मी आराम कर रही है, उसे कोई जगाएगा नहीं। मगर उस दिन के बाद अशोक ने कभी आराम नहीं किया, वो कभी सोया नहीं। कोई इंसान बिना सोए कब तक रह सकता है? वो एक कमरे से दूसरे कमरे में बस चलता रहता। वो कभी अपने सामने देखता तो बस देखता ही रहता, तो कभी गर्दन घुमाकर दाईं तरफ देखता, तो कभी बाईं तरफ बस घूरता ही रहता। क्या उसे कुछ सुनाई दे रहा था या वो पागल हो गया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भी अब उस मनहूस घर में और उस माहौल में सो नहीं पा रहा था। मैं बस अपने बिस्तर में बैठकर उस अजीब से घर के बारे में ही सोचता रहा। बाहर बारिश हो रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और अशोक मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में एक लालटेन थी। उस लालटेन की रोशनी में अशोक का चेहरा हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। वो बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। लालटेन की रोशनी की वजह से उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। मेरे कमरे में आकर अशोक उतावले से स्वर में बोला, अब क्या तुमने उसे सुना? क्या तुमने उसे देखा? मैंने कहा, अब क्या देखा क्या सुना? तुम किस बारे में बात कर रहे हो अशोक? अशोक बोला, जल्द ही समझ जाओगे। उसके बाद अशोक खिड़की के पास गया। उसने पर्दे हटाए और खिड़की खोल दी। बाहर बहुत अंधेरा था, तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही थी। कड़कती बिजली की आवाज उस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तभी बाहर एक जोरदार बिजली कड़की और चिंघाड़ता हुआ एक तेज हवा का झोंका खिड़की के पल्लों को झंझोड़ते हुए कमरे के अंदर आया और कमरे के खिड़की दरवाजे जोर जोर से खुलने बंद होने लगे। कमरे में जल रहे लैंप्स बुझ गए। दीवारों में लटकी हुई तस्वीरें हिलने लगी। फर्श पर रखी कुर्सी मेज भी कांपने लगे। तभी एक जोरदार आवाज हुई और घर हिलने लगा, मानो जैसे भूचाल आ रहा हो। हिलते हुए फर्श पर मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी तूफान के उस शोर में मैंने अशोक को कहते सुना, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं सब कुछ सुन पा रहा हूँ, मैं उसे सुन सकता हूँ। मैंने चीखते हुए अशोक से कहा, कौन, तुम किसे सुन पा रहे हो? आंधी इतनी तेज थी कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अशोक बोला, लक्ष्मी, मैं उसे सुन सकता हूँ, वो मेरा नाम पुकार रही है, वो यहाँ आ रही है, उसने अपने ताबूत को खोल लिया है, वो सीढ़ियों से ऊपर आ रही है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। तेज आंधी अभी भी कमरे के अंदर मौत बनकर मंडरा रही थी। खुलते बंद होते दरवाजे खिड़कियों के पल्ले कमजोर होकर गिरने लगे थे। बाहर जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। तभी मेरी नजर दरवाजे पर गई और जो मैंने देखा वो उस भयानक तूफान से भी कहीं ज्यादा डरावना था। दरवाजे पर अशोक की बहन लक्ष्मी खड़ी थी। उसने वही सफेद पोशाक पहना हुआ था जो उसे ताबूत के अंदर रखते वक्त पहनाया हुआ था, मगर वो सफेद पोशाक अब खून से लाल हो चुका था। लक्ष्मी अपने ताबूत को तोड़कर बाहर निकल चुकी थी। उसकी उंगलियों के नाखून उखड़े हुए थे जिनमें से खून निकल रहा था। उसका चेहरा कट फट चुका था। उसके हाथ, उसके नाखून, उसका चेहरा खून से लथपथ था। वही खून बहकर उसके कपड़ों को भिगो रहा था। हवा में उड़ती उसकी पोशाक, उसके बाल उसे किसी आसमानी शैतान के समान दिखा रहे थे। लक्ष्मी का वो अवतार बेहद ही डरावना था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई थी और उसकी आंखें सामने खड़े उसके भाई अशोक को ही घूरे जा रही थी। उस तेज तूफान में अपने कमजोर से शरीर को संभाले खड़ा अशोक अपनी बहन को देखकर मुस्कुराया। उसकी थकी हुई आंखों में आंसू थे।
और सूख चुके कटे फटे होंठों पर हल्की सी मुस्कान। उसकी बहन लक्ष्मी भावहीन आंखों से अशोक की तरफ ही देख रही थी और फिर उसने धीमे धीमे अपनी दोनों बाहें फैलाई और अशोक आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाते हुए लक्ष्मी की तरफ खींचा चला गया। अशोक लक्ष्मी के करीब पहुंचा और फिर लक्ष्मी ने अशोक को कस कर गले लगा लिया। बस तभी बाहर जोर से बिजली कड़की और कड़कती बिजली की आवाज के साथ अशोक जोर से चीखा और लक्ष्मी भी एक भयानक आवाज के साथ चीखी और दोनों एक दूजे से लिपटे हुए फर्श पर गिर गए। उन दोनों का शरीर एक दूजे से लिपटा हुआ फर्श पर पड़ा हुआ था, एकदम निर्जीव। मैंने देखा वो दोनों के शरीर में अब कोई हरकत नहीं थी। लक्ष्मी अशोक के ऊपर औंधे मुंह गिरी हुई थी और अशोक का चेहरा छत की तरफ था। उसका मुंह और उसकी आंखें खुली हुई थी। मैं उनके करीब गया, वो दोनों मर चुके थे। बस फिर क्या था, मैंने और देर नहीं की, मैं तुरंत गिरते पड़ते उस घर से बाहर भागा और वो घर जोर जोर से हिलने लगा। उसकी छत और दीवारें टूट टूट कर गिरने लगी। मैंने अस्तबल में बंधे अपने घोड़े को देखा, वो भी खुद को रस्सियों से छुड़ाने के लिए उछल कूद कर रहा था। मैं दौड़कर अस्तबल में गया और मैंने घोड़े को उसकी रस्सी से मुक्त कर दिया। घोड़ा भागता हुआ संकरी सड़क से पुल के ऊपर से दौड़ता हुआ तालाब के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं भी भागता हुआ उसी तरफ गया। तालाब के पास पहुंचकर मैंने पलटकर उसी घर की तरफ देखा, उसी मनहूस लाल हवेली की तरफ। आसमान में बिजली जोर जोर से कड़क रही थी और बारिश भी पूरे जोश में बरस रही थी। और फिर मेरे देखते ही देखते वो विशाल हवेली एक जोरदार आवाज के साथ किसी ताश के महल के समान ढहकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। और फिर देखते ही देखते वो जमीन धंसने लगी और फिर तालाब के पानी ने उस जगह को अपने अंदर समा लिया। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। बारिश अब थमने लगी थी, बादलों का गुस्सा भी अब शांत होने लगा था, तूफान भी थक चुका था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो तूफान, वो बारिश, वो कड़कती बिजली आज उस घर को बस तबाह करने ही आई थी। वो डरावना मंजर एकदम से बदल गया। अभी कुछ देर पहले उस जगह पर मौत तांडव कर रही थी, मगर अब वहां एकदम खामोशी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जान बचने की खुशी मनाऊं या फिर अपने सबसे पुराने दोस्त और अपने पहले प्यार के मरने का शोक मनाऊं। वो सारी यादें जो मेरे जहन में बचपन से थी, वो सब इस तरह मिट्टी में मिल जाएंगी, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अशोक और लक्ष्मी एक दूजे से बेहद प्यार करते थे। शायद लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि उसका बीमार भाई उसके बिना उस घर में अकेला रहे, इसलिए वो अपने भाई को अपने साथ ले गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुने। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।